नालंदा जिले में सेक्स रैकेट का कारोबार फल फूल रहा है। अभी बीते दिनों ही बिहार थाना क्षेत्र के एतवारी बाजार में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। उसके दो दिन बाद ही लहेरी थाना पुलिस ने बड़ी पहाड़ी में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए चार महिला और दो पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी पहाड़ी मोहल्ले के एक घर में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। इस सूचना के बाद डीएसपी के नेतृत्व में महिला पुलिस के साथ छापेमारी की गई, जहां से चार महिला और दो पुरुष को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया। दो दिन पूर्व ही एतवारी बाजार में चल रहे सेक्स रैकेट में पांच पुरुष और एक लड़की को हिरासत में लिया गया था। सूचना मिला कि रामचंद्रपुर स्थित मंगला स्थान में एक मकान है विश्वनाथ प्रसाद के नाम से, जो गिरधारी प्रसाद है उसी के नाम से विश्वनाथ प्रसाद का मकान है, सलेमपुर रघुवीर का रहने वाला है। तो उसमें पता चला कि कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष जो है कि अवैध धंधा हो रहा है, उसी को सत्यापन करने के लिए मेरे नेतृत्व में लहरी थाना और महिला थाना से लोग गए थे। उसमें कुल एक संचालिका पकड़ाई कंचन देवी करके, उसके साथ तीन पीड़िता थी, इसके अलावा दो पुरुष पकड़े हैं, संजय कुमार और प्रमोद कुमार। संजय कुमार कोनूपुर नालंदा के रहने वाले हैं और प्रमोद कुमार पटना के रहने वाले हैं। इसके साथ बहुत आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, कुछ सिगरेट के पैकेट मिले हैं। यही सब है, पूछताछ चल रही है, लोग अवैध धंधा का स्वीकार किए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मिथुन कुमार की रिपोर्ट, नालंदा। शुक्रवार के दिन मझोलिया पुलिस ने किया पुलिस कप्तान के निर्देश पर वाहनों की जांच, जिसमें लगभग एक दर्जन बाइकों के कागजों का अवलोकन के बाद दोषी पाए जाने पर काटा गया चालान। यह जानकारी थाना अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने दी थी। उन्होंने बताया कि एसपी के निर्देश पर जमदार अरबित पासवान पुलिस बल के साथ बेतिया मोतिहारी मुख्य पथना नानहौस्ती चौक पर बाइकों की जाँच की, जिसमें करीब एक दर्जन बाइकों का फाइन कर रसीद काटी गयी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया। अंचलाधिकारी जौवाद आलम ने 30 विस्थापित परिवारों के बीच प्लास्टिक त्रिपाल बांटा। उन्होंने बताया कि महानवा गांव एवं डुमरी गांव में जो लोग बाढ़ से बेघर हो गए थे एवं जिनके घर में पानी घुस गया था, उनके बीच प्लास्टिक का त्रिपाल वितरण किया गया, ताकि वे लोग उसे टांग कर अपना जीवन यापन शुरू करें। वहीं उन्होंने बताया कि इनके खाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, कल से इन परिवार के लोगों को खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मनीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बेतिया। जिले के डॉक्टरों द्वारा बाढ़ पीड़ितों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की नियत से लगातार मेडिकल टीम काम कर रही है। आपको बताते चले कि उक्त टीम का नेतृत्व आयुष डॉक्टर अलाउद्दीन ने किया है। इस कैंप से क्षेत्र के लोगों में खुशी देखी जा रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जुबैर अंसारी की रिपोर्ट, बिहार। समस्तीपुर रेल मंडल की संवेदनहीनता मानवता को किया शर्मसार। 24 घंटे से प्रतीक्षालय से सब को उठाना संभव नहीं हुआ। मानवता, इंसानियत, करुणा, वफादारी और परोपकार जैसे अब किताबों तक ही रह गए हैं। बचपन में जो पढ़ा वो अब कहीं दिखता नहीं। कब, कौन, कहां, कैसे ईमानदारी और भरोसे की हत्या कर दे, इसकी गारंटी ऊपर वाला भी नहीं ले सकता। 21वीं सदी में भारत देश दुनिया में अपनी प्रगति और विशालता की परचम लहरा रहा है, लेकिन क्या पढ़े लिखे इंसानियत में यही कहा गया है कि सब अपना काम करे? और पूरे देश में जहां हजारों यात्री रोज यात्रा करते हैं और विश्राम करते हैं, वहां एक सब पड़ा है। और संवेदनहीनता की ऐसी मिसाल जो पूरे समस्तीपुर रेल मंडल तो क्या पूरी भारत में कहीं नजर नहीं आई होगी, जो बिहार राज्य के समस्तीपुर मंडल के रोसड़ा में देखने को मिला। आखिर अधिकारी पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में हो रही गतिविधि की जानकारी नहीं है, और रेल बिना अधिकारी की जानकारी के चल रहा है, या अधिकारी पदाधिकारी ने अपना इंसानियत और मानवता को भूल चुके हैं, तो फिर इतना पढ़ लिख कर क्या फायदा जो हमें इंसानियत और मानवता से भी दूर कर दे। इस जगह पे तो अच्छा है सरकार रोबोट रख दे सरकार के बजाय, जो सरकार की मंशा है वो ही लागू की जाए तो शायद बेहतर परिणाम निकले। ऐसा लगता है रेल मंडल के कर्मचारी भी अपनी पूरी राहत दे पाएंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए प्रांशु कुमार की रिपोर्ट, समस्तीपुर।